सब्सक्राइब कीजिए हेल्थफुल लाइफ हिंदी चैनल को मेडिसिन के बारे में जानकारी और हेल्दी प्रोडक्ट्स रिव्यूज के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हार्ट यानी दिल यानी हृदय हमारे शरीर का सबसे प्रमुख अंग है। जब तक दिल धड़कता रहता है तब तक हम जिंदा रहते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए दिल का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है और हमें अपने दिल का ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज इसी के संदर्भ में हमारा ये वीडियो है। आज हम बात करेंगे और रिव्यू करेंगे पतंजलि दिव्य हृदय मितवटी एक्स्ट्रा पावर DES टैबलेट के बारे में। जानेंगे इसके प्राइस, कंपोजिशन, यूजेस, डोजेस, बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को कृपया लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह पतंजलि दिव्य हृदय मितवटी एक्स्ट्रा पावर DES का 80 टेबलेट का पैकिंग। प्राइस के बारे में बात करें तो फिलहाल इसका प्राइस 375 रुपया है। ये थोड़ा महंगा है पतंजलि हृदय मितवटी एक्स्ट्रा पावर से। ये आपको किसी भी पतंजलि स्टोर पर ईजिली मिल जाएगा। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें अर्जुना, मकोई, पूर्णनवा, निर्गुंडी, रासना, गिलोय, चित्रक, नागरमोथा, हरड़, पिप्तामूल, दालचीनी, संगेसव पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता शुक्ति भस्म, जौहर मोहरा पिष्टी, मुक्ता पिष्टी जैसे जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। हृदय मितवटी एक्स्ट्रा पावर के मुकाबले इसमें डबल स्ट्रेंथ में जड़ी बूटियाँ डाले गए हैं। यूजेस के बारे में बात करें तो इसको हार्ट यानी हृदय यानी दिल के किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स में यूज किया जा सकता है। ये एक आयुर्वेदिक कार्डियक हार्ट टॉनिक के तरह काम करता है। वीक हार्ट, कमजोर हृदय, हृदय गति में अनियमितता, पल्पिटेशन, चेस्ट पेन, एंजाइना, ब्लॉकेजेस में ये बहुत फ़ायदा करता है। ये हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में ये बहुत फ़ायदा करता है। खून को ये पतला बनाने में मदद करता है। ये एक ब्लड थिनर भी है। हाई ब्लड प्रेशर में ये बहुत फ़ायदा करता है। घबराहट, बेचैनी, एनजाइटी में भी ये फ़ायदा करता है। क्रोनिक हार्ट फेलियर में भी ये फ़ायदा करता है। ये हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से प्रिवेंट करता है। डोजेस के बारे में बात करें तो इस टेबलेट का 1 से लेकर 2 टेबलेट दिन में 2 बार खाली पेट यानी एम्प्टी स्टोमक लिया जा सकता है। बेहतर परिणाम के लिए खाना खाने से लगभग 1 घंटे पहले आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर की सलाह से डोज को कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो हृदय की दिल की सारे प्रॉब्लम्स में ये फ़ायदा करता है, पर सीवियर वाल्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है क्योंकि उसके लिए सर्जरी ही बेस्ट होता है। इस मेडिसिन का कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, पर आप इसको डॉक्टर के सलाह के बिना यूज ना करें। इसको ज़्यादा ओवरडोज में सेवन ना करें। प्रेग्नेंट वोमेन, ब्रेस्टफीडिंग मदर डॉक्टर के सलाह के बिना इसको यूज ना करें। इस मेडिसिन के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन जरूर करें। खाने में नॉनवेज फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड का परहेज जरूर करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए ज़रूर फायदेमंद हुआ होगा। ऐसे ही नए नए यूजफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। कोई सुझाव हो, कोई डाउट हो तो कृपया कॉमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।